ये यशोदा माता का दूध चलाने का जगह है। ऊपर रही लगता था, यहाँ पर लगता था, कमाल है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यशोदा मैया दूध मत्ती थी, कमाल। ऊपर रही लगता था, नीचे माट रहता था। क्या बात, चार सोने की खंडी इस खम्भे से बसती थी, चार इससे बसती थी। यहाँ सवा मन सोने का झूला ठाकुर जी का पड़ता था, यशोदा माता दूध चलाते वक्त भगवान को झुलाती थी। आप लोग ये निशान देख रहे हो, इसमें हीरा जवाहरात मणि रत्न लगे थे जो मुगल लोग ले गए। ये चारों खम्भों पे निशान आप लोग देखते हैं, ये दिए रखने के निशान है। इसमें दीपक रखा जाता था, दीपक रखा जाता था, ऊपर रोशनी पड़ती थी रत्नों पे, नीचे रोशनी आती थी, ये भगवान को यशोदा मैया झुलाती थी। यहाँ बल्ला भगवान जी का पड़ता था जी, मतलब भगवान माखन खाते थे, खम्भों से हाथ पोंछते थे, आज भी खम्भे चिकने हैं। कमाल, यशोदा माता दूध उठाती थी, इस वजह से ये महल पे कालामी आपको देखने को मिलेगी। ये भी नहीं गिरा पाया, आक्रमण किया, खंडित किया, लेकिन गिरा नहीं पाया। भगवान ने चमत्कार दिखाया, हीरा देके वापस गया, बलराम जी की ठोड़ी में लगाए, औरंगजेब का दिया हुआ हीरा। अच्छा, मंदिर भी सजा है। 60 वर्ष का बुड्ढा और 5 वर्ष का बालक यहाँ एक मन होता है, या भगवान घुटनों से चलते हैं। क्या बात, यहाँ पर लोग, अच्छा, यहाँ पर घुटनों पे आके चलते हैं लोग, बाबा भैया चले का नैया। क्या बात है, क्या बात है। ये सारे खम्भे औरंगजेब ने खंडित किए हैं, कोई कोई खम्भा तो काट के भी देखा है। अच्छा, इसमें अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन गिरा नहीं पाया। ये वही स्थान है, सामने ठाकुर जी का दर्शन है, राजमहल का। नंद जी है, यशोदा जी है, भगवान कृष्ण है और बलराम जी है। कमाल, ये औरंगजेब आया ना। अच्छा, ये खम्भे, ये भगवान का 24 कला अवतार था। अच्छा, भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं, वही 24 कला अवतार है। ये भगवान का सब 24 रूपों का दर्शन है, ये सब खंडित किया है। अच्छा, आगे भी देखो, सामने खम्मा दिख रहा है, वो बीच में से काटा है। ये दिखाइए ये खम्मा किस तरीके से औरंगजेब ने खंडित करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से क्षति नहीं पहुँचा पाए। अभी भी ये कृष्ण भगवान जी जहाँ पर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही भव्य। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम गोकुल में हैं, और ये गोकुल में वो 84 खंभा मंदिर है जहाँ पर नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को लेकर आए थे। तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के इस मंदिर के बारे में विस्तार से आपको दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, आइए। चलिए, तो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान के घर, जहां पर वसुदेव जी उन्हें लेकर आए और नंद बाबा ने उनका यहां पर पालन किया। हमारे साथ पुजारी जी हैं, और पुजारी जी विस्तार से कृष्ण भगवान के इस घर के बारे में बताएंगे। पुजारी, सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। आप लोग इस समय हैं, ये भगवान का घर है, नंद भवन। भगवान के समय की यहाँ चार चीजें प्राचीन हैं। ये ब्रज 84 कोस का भूमि है, पांव से पैदल परिक्रमा होता है। गोवर्धन गिरिराजी है, जो भगवान ने कन्नी उंगली में धारण किया, वो आज भी है। कलयुग बढ़ता है, गोवर्धन पड़ रहे घटता है। अच्छा, यमुना जी है, वो भी भगवान के समय की प्राचीन है, लेकिन स्वरूप हम आप लोगों ने बदल दिया है। और भगवान के घर में लगे 84 खम्भे, बोले 84 जाते हैं, लेकिन काउंटिंग को आज भी नहीं आते। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा, औरंगजेब भी नहीं गिरा पाया, आक्रमण किया, खंडित किया, लेकिन गिरा नहीं पाया। भगवान ने चमत्कार दिखाया, हीरा देके वापस गया, बलराम जी की ठोड़ी में लगाए, औरंगजेब का दिया हुआ हीरा। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं, स्थान का नाम है शंकर तपोभूमि। अच्छा, जैसे हम आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, उसी प्रकार यहाँ 33 कोट देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। तो इसी भूमि पे बैठ के शंकर जी ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया है। इस भूमि का नाम शंकर तपो भूमि हुआ है। भगवान रूठने लगे हैं, चंद्रमा मांगने लगे हैं, जब भगवान को अंदर लिया है, चंद्रमा का दर्शन कराया है, जब शंकर जी को भगवान का दर्शन हुआ है। ये हमारे 84 खंभे हैं, आपका कैमरा मैन वो दिखा रहे हैं। 84 खंभे दिखाइएगा, खंभे दिखाइए, 84 इधर बुलाओ, स्पॉट पे बुलाओ 84 खंभों को। ये 84 खंभे
ये यशोदा माता का दूध चलाने का जगह है। अच्छा, ऊपर रही लगता था, यहाँ पर लगता था, कमाल है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यशोदा मैया दूध मत्ती थी, कमाल। ऊपर रही लगता था, नीचे माट रहता था। क्या बात, चार सोने की घंटी इस खम्भे से बसती थी, चार इससे बसती थी। अच्छा, सोने चांदी को तो मुगल लोग ले गए, लेकिन वो घंटियों के निशान है। अच्छा, यशोदा माता दूध चलाती थी। प्राचीन जगह झूला का ये है। ओ, ये देखिए झूला की जगह है, कमाल है। यहाँ सवा मन सोने का झूला ठाकुर जी का पड़ता था, यशोदा माता दूध चलाते वक्त भगवान को झुलाती थी। आप लोग ये निशान देख रहे हो, इसमें हीरा जवाहरात मणि रत्न लगे थे जो मुगल लोग ले गए। ये चारों खम्भों पे निशान आप लोग देखते हैं, ये दिए रखने के निशान है। इसमें दीपक रखा जाता था, दीपक रखा जाता था। ऊपर रोशनी पड़ती थी रत्नों पे, नीचे रोशनी आती थी, भगवान को यशोदा मैया झुलाती थी। यहाँ पल्ला भगवान जी का पड़ता था जी, मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ। उनके पिता वसुदेव जी भगवान को यहाँ छुपाया, यहाँ से योग माया को ले गए। यही भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ, ये बलराम जी का जन्म स्थान है। आज नंद उत्सव का समय, उत्सव का समय, भीड़ काफी है, ये ठाकुर जी का दर्शन है। बिल्कुल, ये कृष्ण भगवान है। ये सारे खम्भे औरंगजेब ने खंडित किए हैं, कोई कोई खम्भा तो काट के भी देखा है। अच्छा, इसमें अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन गिरा नहीं पाया। ये वही स्थान है, सामने ठाकुर जी का दर्शन है, राजमहल का। नंद जी है, यशोदा जी है, भगवान कृष्ण है और बलराम जी है। कमाल, ये बताइए पुजारी जी, जब यहाँ पर रत्न लगते होंगे और कृष्ण भगवान नीचे खेलते होंगे, कितना कमाल का नजारा होता होगा। हाँ, तो वो तो कमाल का ही नजारा है, ठाकुर जी का अद्भुत नजारा है। आज भी कमाल हम आप लोग को देख लगता है, लगता है। अभी भी देखिए, अभी कितना कमाल लगता है। उस समय तो बात ही कुछ और थी, भगवान माखन खाते थे, हाथ पोंछते थे, आज भी खंभे चिकने हैं। कमाल, यशोदा माता दूध उठाती थी, इस वजह से ये महल पे कालामी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये खंभे, ये भगवान का 24 कला अवतार था। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं, वही 24 कला अवतार है। ये भगवान का सब 2400 रूपों का दर्शन है, ये सब खंडित किया है। अच्छा, आगे भी देखो, सामने खम्मा दिख रहा है, वो बीच में से काटा है। ये दिखाइए, ये खम्मा किस तरीके से औरंगजेब ने खंडित करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से क्षति नहीं पहुँचा पाए। अभी भी ये कृष्ण भगवान जी जहाँ पर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही भव्य। तो सर जी, कितना कमाल का लग रहा है, मैं तो इस पे अटक गया हूँ। कितनी अद्भुत की कलाकृति है, सब में हीरा जवाहरात लगे थे, सब जड़ित था, ये सब जड़ित थे। यहाँ सवामन सोने का झूला ठाकुर जी का रहता था, यहाँ दाऊ जी का झूला रहता था। ये दाऊ जी का, यहाँ दाऊ जी सोते थे, ये दाऊ जी का झूला का स्थान। सर जी, कितने लोग लगभग यहाँ पे आते होंगे अभी रोज दर्शन करने? क्या लाखों लोग पड़े पड़े आता है, लाखों लोग आते हैं। जन्माष्टमी में ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, और अब तो भीड़ थोड़ा कम है। अब एक डेढ़ घंटे पहले आते हैं तो आपको एंट्री नहीं थी। नाम क्या है पुजारी जी, एक बार ऑडियंस को? मेरा नाम कन्हैया पाठक है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पुजारी हूँ, और भी मेरे कई वीडियो कई चैनलों पे वायरल। तो चलिए, हमारे साथ कृष्ण कन्हैया जी के इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं कन्हैया पुजारी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया है किस तरीके से कृष्ण भगवान जी का यहाँ पर झूला लगता था, यहाँ पर बलराम जी का लगता था। पुजारी जी, और जहाँ पर बसदेव जी जब लेके आए तो कृष्ण जी को कहाँ बिठाया गया था सबसे पहले? भगवान को जब लेके आए थे तो यही गर्भगृह में ठाकुर जी को रखा था। अच्छा, यही गर्भगृह? हाँ, यहाँ छुपा गए थे, यहाँ से योग माया को पलटा करके ले गए थे। अच्छा, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को छुपा दिया, एक माया, योग माया को लेके मथुरा चले गए। जो कंस को दिया, कंस धोबी के हाथ से शिला को पछाड़ा, जवाब दिया, हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है। आज भी यहाँ ठाकुर जी का झूला झुलाने का महात्म है। यहाँ ठाकुर जी का झूला झुलाने से घर में पुत्र शोक नहीं होता है, सदा नाती बोटा का झूला झूलता है, मंगलकार होता है। तो यहाँ पर महिलाएं आती हैं बच्चों को झुलाने के लिए? बिल्कुल आती हैं, जिनके बच्चे भी नहीं होते वो महिलाएं भी आती हैं बच्चों की कामना के लिए। अच्छा, झूला मतलब कैसे पुजारी जी, यहाँ तो झूला डलता नहीं होगा, यही पे लिटा देती होंगी बच्चों को? हाँ, ठाकुर जी का झूला झूलाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का झूला झूलाते हैं, बोलते हैं जैसे आप यहाँ झूलते हो वैसे हमारा घर में झूल। तो चलिए, पुजारी जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया, धन्यवाद पुजारी जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने विस्तार से हमें बताया। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी में है, भगवान जी की, कृष्ण भगवान जी की नगरी में है, जहाँ पर कृष्ण भगवान यहाँ पर आके रहे हैं। पुजारी जी, और कुछ लीलाएं यहाँ पर? हाँ, और भी लीलाएं, ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की है। ये सब गोकुल क्षेत्र बृहदवन बोला जाता है, अब इसका नाम महावन है, महामाने बड़ा, वन माने जंगल। अच्छा, संस्कृत में इसका नाम बृहदवन है, बृहदवन के नाम से इसकी पुराणों में कथा आती है। यहाँ भगवान 7 वर्ष 52 दिन गोकुल में बाल लीला किए,
एक किलोमीटर आगे ब्रह्मांड घाट है, भगवान मिट्टी खाए हैं, विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराए, यहाँ से एक किलोमीटर जस्ट पीछे रमन रहती है, यहाँ भगवान गौ चराते वक्त लेते हैं, ये सब भगवान का गौए वहाँ पर रमन रहती में गौए चराते थे। जी ये सब गौचर भूमि है, नंद बाबा के यहाँ 9.5 लाख गाय थी। आपने गोकुल बैराज क्रॉस किया होगा, वहाँ से लेके और आगे चिंतारण घाट पड़ता है, ये सब गोकुल ही बोला जाता है, इसमें नया पुराना हो गया है, बाकी सारा गोकुल क्षेत्र। थैंक यू पुजारी जी। चलिए तो हम बहुत अच्छा अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कृष्ण भगवान का यहाँ पर झूला डलता होगा। विस्तार से दिखाइए को, वास्तव में पुजारी जी ने जो बताया है किस तरीके से यहाँ पर चिकनाहट है, क्योंकि बलदाऊ जी और कृष्ण भगवान यहाँ पर, थैंक यू पुजारी जी, थैंक यू, किस तरीके से यहाँ पर कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे, और कृष्ण भगवान यहाँ पर आके बचपन में जब वासुदेव जी यहाँ पर लाए तो यहाँ पर झूला डला, यहाँ पर कृष्ण भगवान झूले और यहाँ पर इन खम्भों में कहीं दही खाकर नैनू खाकर इन खम्भों पर पहुँचा है, इस वजह से इन खम्भों में जो चिकनाहट आप देखेंगे, इस वजह से ये चिकनाहट है। और चूँकि हम आपको बता दें अभी जन्माष्टमी का उत्सव है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर मंदिर भी सजा है। 60 वर्ष का बुड्ढा और 5 वर्ष का बालक यहाँ एक मन होता है, या भगवान घुटनों से चलते हैं। क्या बात है, यहाँ पर लोग, ओ अच्छा, यहाँ पर घुटनों पे आके चलते हैं लोग, बाबा भैया चले का नैया, क्या बात है। तो ये भी अद्भुत चीज है, यहाँ पर आप देखिएगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर जो चलने में समर्थ है वो लोग घुटनों पे चल के जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चले हैं। तो यहाँ पर लोग, बुजुर्ग भी आते हैं जो चलने में सक्षम है, वो यहाँ पर घुटनों के बल चल के जाते हैं। पुनः हम चाहेंगे आप दोबारा देखें कितना कमाल का ये जगह है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी का झूला लगता था और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान झूलते थे, और सामने वो विराजमान है और लोग बाग लगातार आते जा रहे हैं और लगातार घुटनों पर आकर श्री कृष्ण जी के सामने दंडवत हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो और भी परिसर को हम पूरा दिखाते हैं आपको, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और देखते रहिएगा जनता के राज। आइए चलते हैं। भीड़ भाड़ ऐसे तो दिक्कत हो जाके, वो पंडित जी चल रहा था।